तो मेरे भाइयों, आप लोगों ने इंटरनेट पर ऐसे काफी सारे मेल मॉडल्स को देखा होगा जो बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं दिखने में। अब वो इतने अट्रैक्टिव कैसे दिखते हैं, इसके लिए उन्हें काफी सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आपको भी एक मॉडल की तरह दिखना है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी टिप्स दूंगा जिन्हें आप फॉलो करोगे तो आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी एक मेल मॉडल की तरह अट्रैक्टिव दिखने में। वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, इसीलिए आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है जिससे आप इस वीडियो की कोई भी बात मिस ना कर दो। उससे पहले भाई, अगर आप चैनल पर नए हो या मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और उसके पास वाले बेल आइकन को भी दबा दो ऐसी और भी वीडियोस को आगे देखते रहने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टिप नंबर 1, हैव अ गुड हेयर स्टाइल। भाई ये चीज तो आप लोगों ने एक मेल मॉडल में नोटिस की होगी कि उनका हेयर स्टाइल कितना अच्छा होता है। अगर आप एक अच्छा सा हेयर स्टाइल रखते हो तो उससे आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी एक मॉडल की तरह दिखने में, क्योंकि एक अच्छा सा हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके ओवरऑल लुक को इनहेंस करने में। अब भाई काफी सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो किसी भी तरह के हेयर स्टाइल की फोटो अपने बार्बर को दिखा देते हैं और फिर उस हेयर स्टाइल को करा लेते हैं, जिससे वो दिखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अगर सही में आप अपने हेयर स्टाइल में अट्रैक्टिव दिखना चाहते हो एक मॉडल की तरह, तो आपको अपना हेयर स्टाइल अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग करवाना है, जिससे वो आपके फेस पर और भी ज्यादा सूट करेगा और आपका चेहरा दिखने में काफी बैलेंस्ड और शार्प लगेगा। अगर भाई आपको नहीं पता कि आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसा हेयर स्टाइल रखना है तो मैं आपको अपनी ये वीडियो रेकमेंड करूंगा। आप इस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प होगी ये जानने में कि आपको अपने फेस शेप के अकॉर्डिंग कैसा हेयर स्टाइल रखना है। टिप नंबर 2, परफेक्ट जो लाइन। भाई मेल मॉडल्स में जो फीचर सबसे ज्यादा नोटिस किया जाता है वो होती है उनकी परफेक्ट जो लाइन। एक सही और शार्प जो लाइन आपके फेस को और भी अट्रैक्टिव बनाने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लाइन बेसिकली आपके फेस के इस हिस्से को कहा जाता है। अगर आप एक स्किनी या लीन बंदे हो तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपकी जो लाइन पहले से ही काफी अच्छी होगी। अगर इसके बाद भी आपकी जो लाइन सही नहीं है या आप थोड़े हैवी बंदे हो जिससे आपको डबल चिन की प्रॉब्लम है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। जैसे अगर आप थोड़े हैवी बंदे हो तो आपको अपना वेट कम करना है और उसके साथ ही साथ आपको कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस भी करनी है जिससे आपके फेस का फैट कम होगा और आप एक परफेक्ट जो लाइन को अचीव कर सकते हो। आपके लिए कुछ बेस्ट जो लाइन एक्सरसाइजेस की वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इस वीडियो के बाद उसको जाकर देख सकते हो। टिप नंबर 3, फॉलो द गुड स्किन केयर रूटीन। भाई अगर आपको अपने चेहरे को ग्लोइंग और पिंपल फ्री बनाना है तो आपको एक अच्छे से स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना होगा। जैसे कि आपको अपने चेहरे को सुबह शाम फेस वॉश से वॉश करना है, उसके बाद टोनर अप्लाई करना है और टोनिंग के बाद आपको अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है किसी अच्छे से मॉइस्चराइजर से, और साथ ही साथ जब भी आप धूप में बाहर जाओगे तो उससे 20 या 30 मिनट पहले आपको अपनी स्किन पर सनस्क्रीन को लगाना है, जिससे धूप की हार्मफुल रेज आपकी स्किन को नुकसान ना पहुंचा सके। और इसके साथ साथ आपको अपनी स्किन को और भी ग्लोइंग और हेल्दी बनाए रखने के लिए दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी पीना है और साथ में एक हेल्दी डाइट को भी कंज्यूम करना है। अगर आप इन सभी चीजों का ध्यान रखोगे तो आप इजीली एक मॉडल जैसी स्किन को पा सकते हो। टिप नंबर 4, रिमूव अनवांटेड फेशियल हेयर्स। भाई हमारे फेस के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जहां ना चाहते हुए भी वहां पर बाल आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा फेस दिखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको अपने चेहरे के अनचाहे बालों को रिमूव करना है। जैसे कि अगर आपकी यूनिब्रोज है, मतलब कि अगर आपकी आईब्रोज के बीच में बाल आते हैं, तो आपको उन्हें हमेशा थ्रेडिंग करा कर रखना है या आप उन्हें ट्वीजर की हेल्प से प्लग करके साफ कर सकते हो। इस तरह की आईब्रोज बहुत ही अजीब सी लगती है, जिससे हमारा फेस दिखने में बहुत ही अनअट्रैक्टिव लगता है। तो इसलिए आपको अपनी आईब्रोज के बीच के इस हिस्से को कम से कम हफ्ते में एक बार क्लीन करना है। और इसके अलावा अगर आपको बियर्ड आती है तो आपको अपनी बियर्ड को एक प्रॉपर शेप में ढाल कर रखना है, और जो आपकी नेक का ये हिस्सा है इसको आपको अपनी चिन के इस हिस्से तक रेजर की हेल्प से क्लीन करना है। इससे आपके फेस का स्ट्रक्चर दिखने में काफी अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ आपको अपनी बियर्ड की हेयर लाइन के ऊपर के छोटे छोटे बालों को भी रेजर की हेल्प से रिमूव करना है, या आप उन्हें 0 नंबर की ट्रिमर सेटिंग से ट्रिम कर सकते हो। टिप नंबर 5, गुड फैशन सेंस। भाई जो मॉडल्स होते हैं उनका फैशन सेंस काफी अच्छा होता है, जिसकी वजह से वो इतने अट्रैक्टिव और अलग दिख पाते हैं नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। वैसे तो मैं आपको अपनी वीडियोस में बताता ही रहता हूँ कि आपका किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, आपको किस तरह की एक्सेसरीज और शूज को पहनना चाहिए। अगर आप मेरी फैशन से रिलेटेड वीडियोस को देखते हो और उनमें बताई गई टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो तो आपका फैशन सेंस अच्छा ही होगा। अगर आपने मेरी फैशन से रिलेटेड वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपनी फैशन प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर मेरी फैशन सेंस वाली वीडियोस को देख सकते हो। टिप नंबर 6, बी कॉन्फिडेंट। देखो भाई, चाहे आप कितने ही अच्छे कपड़ों को पहन लो, कितने ही अच्छे स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर लो, अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम है तो भाई आप दूसरे लोगों को बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, क्योंकि लोगों को ऐसे लोग ज्यादा पसंद आते हैं जिनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है। जो ये मॉडल्स होते हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन्हें काफी एक्सपीरियंस होता है रैंप पर वॉक करने का, लोगों से बातें करने का। इन्हीं सब क्वालिटीज के चलते ये और भी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो अगर आप भी एक मॉडल की तरह अट्रैक्टिव लगना चाहते हो तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना होगा। और आप कॉन्फिडेंस लेवल कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप ऐसी सिचुएशन को
फेस करोगे जिसमें आप बहुत ही अनकॉन्फिडेंट फील करते हो, जैसे नए नए लोगों से बातें करना, अपने स्कूल या कॉलेज की स्टेज पर परफॉर्म करना। अगर आप ऐसी सिचुएशंस को फेस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा, जिससे आप लोगों को अट्रैक्टिव लगने लगोगे। तो भाई आई होप ये वीडियो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा एक मॉडल की तरह अट्रैक्टिव दिखने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना अगर आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो मैं आपको अपनी ये दो वीडियोस रेकमेंड करूंगा, आप इनको एक बार जरूर से चेक करना। तो भाई आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा।